अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइज़, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गाइज़, आपको पता होगा कि ये मंथ जो ना एंड होने वाला है और अगले मंथ के जो करम पास है वो भी गेम में आ चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि वो किस तरह का लुक देता है और उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले आप ये मेरे प्रोफाइल देख सकते हैं कि और अभी जो ना मैंने ये क्लिक कर लिया अपने करम पास पे। तो आपने इसका जो नाम है वो दे सकते हैं कि डोमिनेशन सीज़न कैरम पास। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो ना इसके थोड़ा सा लुक है, मैं जो ना आपको एक एक चीज़ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं कि मैंने अवतार पे क्लिक किया मगर अवतार क्लिक नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि मतलब बाय नहीं किया। तो अभी मैं जो ना थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ इसका, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रेम है वो भी यही है मगर शो नहीं हो रहा। तो अभी फ़िलहाल आप जो है ना इसी तरह देख सकते हैं कि इसमें जो है ना ये जो लेवल 17 तक जो ना अगर मैं बाय करूँ तो मुझे जो ना मतलब ये ओपन हो जाएंगी। और ऊपर वाले में आप देख सकते हैं कि एक इमोजी है और गोल्डन शॉट है और उसके साथ साथ ग्रैंड मास्टर चेस्ट। फिर ये दो अवतार जो है ना ये थोड़े से सेम सेम लग रहे हैं। और इसके बाद जो ना ये दो इमोजी है और एक फ्रेम है, और जो नीचे वाले का फ्रेम है और ऊपर वाले का फ्रेम है। और आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो ना ये प्रीमियम प्लस का है। तो ये दोनों जो ना थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। और बाकी जो ना आप देख सकते हैं कि यही मंथ जो ना वो करम पास है और इसमें जो ट्रायल इस मंथ देंगे तो उसके भी मैं थोड़ा सा आपको लुक दिखाऊँगा। लेकिन एक बार फिर आप जो ना ये स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ आप देख लें। तो अभी मैं बैक पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो इस मंथ जो ट्रायल मिलेगा करम पास में वो किस तरह होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायल है ये हमें जो ना नेक्स्ट मंथ का जो करम पास है जनवरी का ये हमें उसी में मिलेगा। तो अभी मैं पक वगैरह में भी देख लूँगा कि मतलब इसमें कुछ ऐड तो नहीं हुआ और स्ट्राइकर में भी। तो सबसे पहले मैं पक में देखता हूँ कि कुछ नए पक ऐड तो नहीं हुए। तो पक जो ना जिस तरह पुराने थे वही है, क्योंकि इस जो आईडीएस वाले में मैं गेम प्ले वगैरह नहीं करता। और स्ट्राइकर वगैरह भी चेक कर लेता हूँ कि स्ट्राइकर वगैरह में कुछ नया स्ट्राइकर तो नहीं आया गेम में। तो अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी स्ट्राइकर नहीं आया, सिर्फ बैटल टावर मास्टर और बैटल टावर के जो प्रो टेबल है उसके जो ना स्ट्राइकर जो आए थे वही है। और नेक्स्ट मंथ जो ना एक बैटल टावर इवेंट भी आने वाला है। तो मैंने थोड़ा सा और टाइम जम किया और आप ऊपर टाइम भी दे सकते हैं कि 19 दिन मतलब करम पास में रह गए। और ये देख सकते हैं कि ये जो इवेंट है नए वाला वो आ चुका है गेम में। तो अभी मैं इस पर गेम प्ले कनेक्ट करता हूँ लेकिन इस पर कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इस पर जो है ना कोई भी प्ले गेम प्ले नहीं कर रहा। तो मैंने कनेक्ट किया मगर ये देख सकते हैं कि मेरा जो गेम प्ले है वो लंदर पार्क में कनेक्ट हो गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।